डिजास्टर मैनेजमेंट में पंचायतों का किरदार। अपने इलाकों के ज्योग्राफियाई, समाजी और सकाफती हालात का इल्म मकामी नुमाइंदों को बहुत अच्छा होता है, इसलिए किसी भी किस्म के आफत के वक्त सबसे पहले उसे मदद, तजवीज, खिदमत या तआवुन के लिए याद किया जाता है। पंचायती नुमाइंदों की सिफारिशात सबसे अहम समझी जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आफती इंतजाम पंचायती राज इदारों के कामों का अहम हिस्सा है, लिहाजा पंचायती नुमाइंदों को कुदरती आफात और इंसान साख्ता आफात दोनों से आगाह होना चाहिए, तभी वो उसके इंतजाम में अपना किरदार बखूबी अदा कर सकेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक मरकजी, रियासती और जिली सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें आफात से बचाव का काम करती हैं। पंचायतें किसी भी किस्म की आफत के वक्त उन इदारों से राबता करती है। कई बार अपने इलाके के हालात को देखते हुए पंचायतें खुद गांव के नौजवानों को मुमकिन आफात से निपटने के लिए तरबियत दिलवाती है। इसके अलावा किसी भी मुमकिन आफात से निपटने के लिए पंचायतें अपने इलाके में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे सकती है। मिसाल के तौर पर सैलाब ज्यादा इलाके में सैलाब के खतरे के पेश नजर पंचायतें सैलाब से मुतालिक इमदादी पनाहगाहें बना सकती है। आफात को रोकने के लिए पंचायतें दर्ज ज़ेल काम कर सकती हैं। जिंदा मवाद का तहफ्फुज, मकानात की तामीर पर पाबंदी, जलजला जोन की नक्शा साजी, जलजला जोन में तामीरात पर पाबंदी, जमीन के कमजोर इलाकों पर काम, जलजला मजाहिम तामीर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर मीटिंग, रिलीफ मेटेरियल पोस्टर, तबाही के इम्कान के पेश नजर जिंदगी को बचाया जा सकता है। सैलाब ज्यादा इलाके में जमीनी सतह से नीचे मकानात की तामीर पर पाबंदी लगा सकता है। अपने इलाके के जलजले के जोन के नक्शा साजी करवा सकते हैं। हल्का पंचायत का इलाका जलजला जोन 4 या 5 में आता है तो खतरे के इम्कान के पेश नजर इमारत की तामीर पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जियो साइंसदानों के मशवरे पर जमीन के कमजोर हिस्सों की तामीर और मजबूती के मुश्किलात से मुतालिक काम कर सकते हैं। अपने पंचायत इलाके में जलजला मुजाहिम तामीरात हासिल कर सकते हैं। वक्तन फवक्तन डिजास्टर मैनेजमेंट पर मीटिंग्स मुनक्किद करके तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। अवामी मकामात पर आफात और इमदाद से मुतालिक पोस्टर चस्पा करके अवाम में बेदारी पैदा कर सकते हैं। किसी भी आफत के असरात को रोकने के लिए पंचायत के नुमाइंदे आफत के आने से पहले कुछ काम कर सकते हैं, जैसे आग बुझाने का आला, आग बुझाने वाला चेक, आफात से बचाव का निजाम, जखायर की सफाई, ऊंचाई की शनाख्त, सैलाबी पानी का इंतजाम, बिजली सप्लाई किट। गाँव में स्कूल, हॉस्पिटल और दिगर अवामी मकामात पर आग बुझाने वाले आलात रखना, आग बुझाने वाले आलात को वक्तन फवक्तन चेक करवाना, अपने इलाके में मुमकिन तबाही को रोकने के लिए इंतजाम करना, तालाबों, नदियों और सभी आबी जखायर को वक्तन फवक्तन साफ करवाना, पंचायत सैलाब ज्यादा इलाके में ऊंची जगहों की निशानदेही कर सकती है ताकि लोग सैलाब की सूरत में वहां पनाह ले सके, सैलाब के पानी को देही घरों में दाखिल होने से रोकने का इंतजाम कर सकता है, तेज तूफान बारिश के मौसम में बिजली की सप्लाई मुनक़ता करने का सबब बन सकता है। आफात के दौरान राहत फराहम करने में पंचायतों का किरदार। पंचायत के नुमाइंदों को आफात आने पर हिम्मत से काम लेना चाहिए, किसी भी वक्त किसी भी किस्म की अफवाहों से गुरेज किया जाना चाहिए। जब तक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स
स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दीगर रेस्क्यू टीम नहीं आती। तरबियत याफ्ता मकामी नौजवानों की मदद से राहत और बचाव की कार्रवाइयां की जा सकती है। सैलाब के मसले के पेश नजर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। खवातीन और बच्चों का खास ख्याल रखें। आफत के बाद पंचायत का किरदार, तबाही गुजर जाने के बाद भी आम जिंदगी मसरूफ रहती है। आमतौर पर जान और माल का भारी नुकसान होता है, ट्रैफिक और मवासिलाती निजाम ठप हो जाता है, इसलिए आफत के बाद भी पंचायत की नुमाइंदों को कुछ काम करना चाहिए, जैसे कि मुतासिरा अफराद की फहरिस्त, नुकसान का अंदाजा, लाशों को हटाना, बिजली मवासिलात और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दोबारा शुरू करना, मवाइजा का इंतजाम, इमदादी सामान की तकसीम, एक रिश्ता कायम करना, जरूरियात की रिपोर्ट, पहले मुतासिर होने वाले लोगों की फहरिस्त बनाएं, आफत से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाएं, बीमारियों से बचने के लिए लाशों को हटाएं, बिजली मवासिलात और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दोबारा शुरू करें, आफत जिदगान के खानदानों के लिए मुआवजा का इंतजाम करें, जरूरत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इमदादी सामान तकसीम करें, मरकजी और रियासती हुकूमतों के साथ राबता कायम करें, बहाली, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरियात जिंदगी की रिपोर्टें हुकूमत को भेजें।